इसके लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देख चुके थे। उस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ सेट देखे थे। यहाँ तक आपको याद होगा हम लोग सबसे पहला जो टाइप ऑफ देखने गए थे वो मेरा क्या था, एम्प्टी सेट था। फिर हम लोग देखे थे सिंगलटन सेट क्या होता है। फिर हम लोग पढ़े थे फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फिर हम लोग पढ़े थे कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है, डैट मीन्स ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है। फिर लास्ट में हम लोग देखे थे इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो आज उसी से रिलेटेड हम लोग जो एक्सरसाइज है 1.2 उसको करने जा रहे हैं। तो आराम से देखना सारा वीडियो, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज और फुल कंसेप्ट के साथ समझाने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। अब यहाँ क्या बोल रहा है, नीचे कुछ एग्जाम्पल दे रहा है, नीचे कुछ क्वेश्चन दे रहा है, तो इनमें कौन कौन सा क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल है नल सेट का। तो अब हमको यदि नल सेट पता नहीं रहेगा तो इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम पता नहीं कर सकते। इसलिए मैं पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता हूँ, ताकि आपको चैप्टर बनाते समय सारा चीज़ माइंड में सेट हो जाए। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा क्या होता है नल सेट, तो हम लोग पढ़े थे कि ए सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, डैट मीन्स ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। तो आइए चेक करते हैं क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू। हमको पता है यदि हम लोग ओड नंबर के बारे में बात करें तो ओड नंबर मेरा क्या कहाँ से शुरू होता है, 1, 3, 5, 7 ...... ये आगे भी हो सकता है, लेकिन क्या बोल रहा, ओड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू। आप बता सकते हैं क्या ओड नंबर कभी भी टू से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो डैट मीन्स कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो क्या हो, टू से क्या हो, डिविजिबल हो। तो डैट मीन्स इस सेट के बारे में बताएंगे जिसमें कोई एलिमेंट होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा। डैट मीन्स ये कैसा सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यस, ये किसका एग्जाम्पल है, यस नल सेट। नल सेट बोलिए, एम्प्टी सेट बोलिए, वॉइड सेट बोलिए, तीनों एक ही चीज़ है। अब क्या बोल रहा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में आप सभी को पता होगा, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन और इट्सेल्फ। ऐसा नंबर जो या तो वन से डिविजुअल हो या स्वयं इट्सेल्फ से डिविजुअल हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में पता है कि प्राइम नंबर इवन की बात कर रहा, तो हम जानते हैं एक प्राइम नंबर टू होता है, जो ओनली वन ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या होता है, मेरा इवन नंबर होता है। जब इसमें एलिमेंट आ गया, इसमें एक एलिमेंट टू कंटेन कर रहा, तो होगा नो, इट इज़ नॉट ए नल सेट। नल सेट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट कंटेन कर रहा, और नल सेट के बारे में जानते हुए वैसा सेट होता है जिसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है एक्स एडेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, x is less than 5 and greater than 7। बोल रहा है x क्या मेरा नेचुरल नंबर, और कंडीशन बोल रहा है x जो क्या है 5 से छोटा और 7 से बड़ा। तो 5 से छोटा की बात करें तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, और 7 से ग्रेटर है तो 7 से ग्रेटर की बात क्या होगा, 8, 9, 10, 11 समथिंग। तो आपको ऐसा नंबर बता सकते हैं क्या जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा हो सकता है कि 5 से छोटा हो या 7 से छोटा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 5 से भी छोटा हो और 7 से क्या हो, बड़ा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें डैट मीन्स इसमें मेरा कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो यस इट इज़ ए नल सेट, ये क्या होगा मेरा नल सेट होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वाई सच डेट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल। क्या बोल रहा है, वाई सच डेट वाई, वाई एक ऐसा पॉइंट है जो क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन है। तो पैरेलल लाइन के बारे में आपको पता होगा, पैरेलल लाइन ऐसा दो लाइन होता है जिसके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, समान होता है। डैट मीन्स यहाँ का डिस्टेंस यदि क्या है 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी क्या होगा 2, यहाँ भी क्या होगा 2, और यहाँ भी क्या होगा 2। तो पैरेलल लाइन वैसा लाइन होता है जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, और जब तक ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा इसका कॉमन पॉइंट होगा नहीं। कॉमन पॉइंट उसी का होता है जो दो लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे कॉमन पॉइंट होता है। और बात कर रहा है पैरेलल लाइन का, तो पैरेलल लाइन के बारे में आपको पता होगा, पैरेलल लाइन वैसे लाइन होते हैं जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, और जब इंटरसेक्ट नहीं करते तो इनके बीच कोई कॉमन पॉइंट होगा, तो इनके बीच कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। डैट मीन्स इसमें कोई एलिमेंट होगा, नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो ये कैसा सेट होगा मेरा, तो यस इट इज ए नल सेट। तो ये मेरा कैसा सेट होगा, नल सेट होगा। नल सेट इसलिए होगा क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा है।
आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर दो की ओर। बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो याद कीजिए फाइनाइट और इनफाइनाइट भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, तो एक बार हम रिविजन करवा देते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट विच कंटेन काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉन एज फाइनाइट सेट। हम लोग पढ़े थे क्या कि वैसा सेट जिसमें नंबर जो भी एलिमेंट का वो काउंटेबल हो, डैश में हम लोग काउंट करके बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो वैसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। साथ साथ हम ये भी पढ़े थे कि वैसा सेट जिसका क्या हो एंड में एलिमेंट हो, या वैसा सेट जिसका क्या हो एंडिंग एलिमेंट हो, डैट मीन्स लास्ट में यदि किसी सेट का यदि मेरा एलिमेंट है तो वो भी मेरा क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट कहलाता है। इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ते हैं। वैसा सेट ए सेट विच कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, वैसा सेट जिसमें क्या होता है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं होता, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इनफाइनाइट सेट कहते हैं। और इनफाइनाइट सेट का जो एंडिंग टर्म जो होता है, एंडिंग एलिमेंट जो होता है, वो नहीं होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें जो जो क्वेश्चन दे रहा है उनमें कौन फाइनाइट है और कौन फाइनाइट नहीं है। जैसे हम लोग सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर बोल रहा है, तो हम लोग इसमें हम लोग बता सकते हैं कि कौन कौन सा मंथ होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, और क्या होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अक्टूबर, फिर क्या होगा? नवंबर, और फिर क्या होगा? दिसंबर। तो इसमें जो मेरा जो जो एलिमेंट आ रहा है हम लोग देखिए काउंट करके बता सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, डैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, मान लेते तो ये सेट मेरा क्या है? सेट ए है, ठीक है, ये मान लेते हैं मेरा एक सेट क्या है? ए है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो वो कितना है? 12 है, जो क्या है? काउंटेबल है। और जब दो जो चीज़ मेरा काउंटेबल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये मेरा कैसा सेट है? तो ये मेरा फाइनाइट सेट है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, दूसरा एग्जांपल मेरा देख रहा है, मेरा एक सेट दे रहा है 1, 2, 3... मतलब क्या हो गया? 3 के आगे भी कोई ना कोई क्या होगा? एलिमेंट होगा। और जब एलिमेंट डेट मीन्स देख रहे हैं 1, 2, 3 आगे डॉट डॉट डॉट, डेट मीन्स क्या है? इसके आगे भी कोई ना कोई क्या होगा? एलिमेंट होगा। और जब एलिमेंट होगा तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो देख रहे हैं डॉट डॉट, डेट मीन्स हमें पता नहीं है इसके आगे कितना एलिमेंट है, और साथ साथ ये पता चल रहा है इसका एंडिंग एलिमेंट नहीं। और हम लोग जानते हैं इनफाइनाइट सेट को हम लोग कुछ एलिमेंट और उसके बाद 3 डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखने से पता चल रहा है ये मेरा क्या है? तो ये मेरा कैसा सेट है? तो इसके बारे में बोल सकते हैं ये मेरा कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। क्यों इनफाइनाइट सेट है? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके बारे में देखें तो देख रहे हैं 1, 2, 3... फिर 99 और 100 है। डैट मीन्स इसमें पता चल रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है? 100 है। डैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं इसमें कितना है? 100 है। इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, कंटिन्यू जा रहा है, लास्ट में क्या है? 100। और साथ साथ ये बोले थे किसी भी सेट का यदि एंडिंग एलिमेंट हो, एंड में एलिमेंट हो, तो समझ जाना वो कैसा सेट है? फाइनाइट सेट। तो ये मेरा कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? दिख रहा है, बोल रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। क्या बोल रहा है? वैसा पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है जो क्या है? 100 से क्या है? ग्रेटर है। तो 100 से ग्रेटर 101, 102, 103, 104, और इससे आगे भी क्या हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है जो क्या है? अनकाउंटेबल है। और जब अनकाउंटेबल है तो ये मेरा कैसा सेट होगा? तो ये मेरा कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। सिंपल कंसेप्ट ध्यान रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो तो उसे हम लोग फाइनाइट कहेंगे, और यदि इनकाउंटेबल हो तो उसे क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट बोलेंगे। आगे बोलते हैं, बोल रहा है क्या कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 100, 100 से छोटा प्राइम नंबर। तो हम जानते हैं सबसे पहला जो मेरा प्राइम नंबर होता है वो 2, उसके बाद क्या होगा? 3, उसके बाद क्या होगा? 5, उसके बाद 7 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट बोल रहा है 100 से छोटा। तो 100 से छोटा मेरा क्या होगा? 99। तो 99 मेरा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 1 और इटसेल्फ के अलावा 3 से भी डिविजिबल है, 11 से भी है, 9 से भी है। तो 99 से पहले आते हैं 98, तो ये भी मेरा क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। 98 से पहले आई तो 97 आता, और 97 मेरा एक ऐसा नंबर है जो क्या है? प्राइम नंबर है। तो यहाँ दिख रहा है लास्ट एलिमेंट क्या है? मुझे नॉन है। लास्ट एलिमेंट के बारे में लोग बता सकते हैं कि लास्ट एलिमेंट मेरा कितना है, और जब लास्ट एलिमेंट मुझे पता चल गया है, 2, 3,
फाइव डॉट 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 लास्ट एलिमेंट डेट मीन्स मुझे क्या मिल गया, तो हम बोले थे वैसा से जिसका एंडिंग एलिमेंट दिया हो। साथ साथ चूंकि हमें पता है लास्ट एलिमेंट तो यहाँ से यहाँ तक हम निकाल के थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितना एलिमेंट है। तो जब काउंट कर सकते हैं तो ये मेरा कैसा सेट हो जाएगा, तो ये मेरा कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीन भी वही चीज़ बोल रहा है, स्टेट वेदर इच ऑफ द फ्लाइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। नीचे कुछ एग्जांपल दे जा रहा है, उसमें से बताना है कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर वन देख रहे हैं, बोल रहा था सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के बारे में बात करें तो मेरा ये क्या है, मेरा एक्स, ये क्या है मेरा वाई, ठीक है, और ये क्या है वाई, ये क्या है मेरा एक्स, और ये क्या है मेरा एक्स, ठीक है। और ये जानते हैं जो x और x डैश का जो लाइन होता है वो मेरा कैसा लाइन होता है, तो मेरा कैसा लाइन होता है, तो उसके बारे में हम सभी जानते हैं मेरा कैसा लाइन होता है। तो हमें पता है कि ये लाइन जो x और x डैश का होता है, x एक्सिस होता है, और y और y डैश का जो होता है क्या होता है, y एक्सिस होता है। तो बोल रहा है कि सेट ऑफ लाइन के बारे में बात कर जो क्या x एक्सिस का पैरेलल है। तो x एक्सिस ही है तो इसके पैरेलल में भी एक लाइन हो सकता है, इसके पैरेलल में इधर भी हो सकता है, 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 यहाँ भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, डेट मीन्स बहुत सारा हो सकता है जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये सेट मेरा कैसा कहलाएगा, तो इनफाइनाइट सेट होगा। तो इनफाइनाइट सेट क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सॉरी जो सेट ऑफ लाइन होगा वो क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल डेट मीन्स इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। और जब काउंट नहीं कर सकते तो ये मेरा कैसा सेट कहलाएगा, तो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, बोल रहा था सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में जानते हैं हम कौन कौन सा लेटर होता है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डॉट डॉट डॉट, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, इससे ज़्यादा तो कोई अल्फ़ाबेट तो लेटर तो नहीं होता इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो डैट मीन्स हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यदि बात करें तो कितना होता है, 26। और ये क्या होता है, मेरा फाइनाइट होता है जो क्या होता है, काउंटेबल होता है। और जब ये मेरा काउंटेबल है तो कैसा सेट कहलाएगा, तो ये मेरा फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट होगा क्यों होगा, क्योंकि इसमें जितने भी अल्फाबेट में लेटर होते हैं सारे काउंटेबल होते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला था, सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ फाइव। तो पहला मल्टीपल क्या होगा, फाइव का, फाइव होगा। दूसरा क्या होगा, टेन। तीसरा क्या होगा, 15। इस तरह ये आगे कहाँ तक जाएगा तो इसके बारे में हम लोग क्लियर नहीं बोल सकते, डैट मीन्स ये काउंटेबल है नहीं है, आगे ये बहुत सारा हो सकता है कहाँ तक तो होगा इसके बारे में हम लोग काउंट करके नहीं बता सकते। तो ये ऐसा जो सेट होगा जो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट का अनकाउंटेबल है, और जब अनकाउंटेबल है तो मेरा कैसा सेट कहलाएगा, तो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। आगे बढ़ते हुए बोल रहा है क्या द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। तो आई थिंक आप में से 99% बच्चों का सवाल ये हुआ ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। क्यों, तो आप कहोगे सर इतने एनिमल हैं अर्थ पे कि जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। लेकिन आपका आंसर जो वो क्या है, गलत है, क्योंकि जितने भी एनिमल होते हैं इस अर्थ पे वो सारे क्या है, काउंटेबल हैं। हम लोग काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट होते हैं इनका डाटा रखते हैं कि उनके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है जितने भी एनिमल है अर्थ पे वो सभी क्या है, काउंटेबल है। और काउंटेबल जब है तो मेरा कैसा सेट कहलाएगा, तो ये मेरा फाइनाइट सेट कहलाएगा, क्योंकि सरकार के पास इसका डाटा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे देश में कितने हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, तो बोल रहा है क्वेश्चन क्या, आगे क्या बोल रहा था, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या बोल रहा है, वैसा सेट जो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, एक्स डैश, ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई, और ये क्या है वाई डैश। तो हम जानते हैं ओरिजिन ये होता है, तो इससे कितना सर्कल पास कर सकता है। देखिए मान लीजिए एक सर्कल ये हुआ, 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 उसी तरह इधर भी पास कर सकता है, इधर भी पास कर सकता है, इधर भी पास कर सकता है, इधर भी पास कर सकता है। तो इस तरह से कितना सर्कल पास करेगा हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो काउंट नहीं कर सकते। और जब काउंट नहीं कर सकते तो ये कैसा सेट होगा, तो इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसलिए इनफाइनाइट है क्योंकि इसका जो ओरिजिन है उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल को क्या कह सकता है, तो पास करवाया जा सकता है। इसलिए ये जो सेट होगा कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर, बोल रहा है इन द फ्लोइंग सेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट। तो याद कीजिए हम लोग एक
एक थ्योरी पढ़े थे किसका, इक्वल सेट का। तो इक्वल सेट के बारे में क्या पढ़े थे, टू सेट आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन एवरी एलिमेंट ऑफ बी। यदि दो सेट दिया हुआ ए और बी, यदि एक सेट का सारा एलिमेंट बी में लाइक कर रहा है, डेट मीन्स यदि वन में यदि जितना एलिमेंट है वो सारा बी में है, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। आइए देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे देख रहे हैं एक सेट दे रहा है ए, ए बी सी डी, और दूसरा सेट दे रहा है बी, इसमें भी कोई एलिमेंट है। यहाँ देखिए हम देख रहे हैं यहाँ भी ए है और यहाँ भी देखिए क्या है ए, यहाँ भी देखिए बी है और इस सेट में भी क्या है बी, यहाँ भी देखिए सी और यहाँ भी है क्या सी, इसमें भी है डी और इसमें भी डी है। तो देख रहे हैं इस सेट ए में जो जो एलिमेंट है वही एलिमेंट क्या है बी में है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आया जिसमें एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में हुबहु सेम हो, एग्जैक्टली क्या हो, सेम हो, तो वैसा सेट मेरा कैसा सेट होता है, तो वैसा सेट मेरा कैसा सेट होता है, इक्वल सेट होता है। और इक्वल सेट को हम लोग इक्वल के द्वारा इंडिकेट करते हैं, क्लियर है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, दे रहा है ए में दे रहा है 4, 8, 12, 16। तो देखिए 4 ए में भी है, 4 बी में भी है, 8 ए में भी है, 8 बी में भी है। ये देखिए 12 ए में भी है लेकिन इसमें 12 इसमें है लेकिन इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, ठीक है। इसमें 16 है तो इसमें भी 16 है, दैट मीन्स 12 ना इसमें है ना इसमें, 18 इसमें है और 18 इट में नहीं है। तो देख रहे हैं तीन एलिमेंट तो इसमें है लेकिन इसमें 12 है तो इसमें 12 नहीं है, इसमें 18 है तो इसमें 18 नहीं है। तो जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो इस कंडीशन में ए नॉट इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। तो डैट मीन्स ए सेट जो है वो बी सेट का इक्वल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तीन नंबर, जिसमें ए देख रहा है 2, 4, 6, 8, 10 दे रहा है और बी एक सेट दे रहा है। इसको हम पहले क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक्स सेट, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड x इज लेस इक्वल टू 10। x के बारे में क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव इवन है और इवन जानते हैं कहाँ से शुरू होता है, 2 से, और कहाँ तक है, 10 के इक्वल है, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8, 10 यही ना होगा, 10 से क्या है लेस देन 10 ये सारा है, और इक्वल टू भी क्या है 10 का। तो यहाँ भी देखिए 2, यहाँ भी 2, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 10, इसमें भी 10। तो देख रहे हैं दोनों में इसमें जो जो एलिमेंट है उतना उतना एलिमेंट क्या है, बी में है। तो इसलिए क्या होगा, ए सेट जो होगा बी सेट के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों में क्या है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। क्वेश्चन 4 का 4 नंबर देख रहे हैं, एक सेट दे रहा है ए, जिसमें बोल रहा है क्या कि एक्स सजेस्ट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 का बात करें तो पहला मल्टीपल क्या होगा 10, दूसरा क्या होगा 20, तीसरा क्या होगा 30, चौथा क्या होगा 40, पांचवा क्या होगा 50, और इस तरह ये क्या होगा आगे बढ़ता जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा इसके बारे में हम लोग क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह बी सेट में देखिए मेरे पास क्या दे रहा है, 10, 15, 20, 25 और क्या दे रहा है 30। तो बोलना है दोनों इक्वल सेट है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों सेट का एलिमेंट को चेक करेंगे। यदि दोनों सेट में सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो तो मेरा क्या होगा, इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 10 तो यहाँ 10, यहाँ 20 तो यहाँ क्या है 20, इसमें 15 है इसमें है नहीं है, इसमें 30 इसमें 30 है लेकिन इसमें 25 है इसमें है नहीं है। तो देख रहे हैं कुछ एलिमेंट इसका इसमें है और कुछ एलिमेंट इसका इसमें नहीं है। और हम लोग सेट के बारे में पढ़े थे, ऐसा नहीं कि इसका सारा एलिमेंट इसमें होगा तो मेरा इक्वल होगा। इक्वल तभी होता है जब इसका जितना एलिमेंट हो वो इसके बराबर होना चाहिए और इसका भी सारा एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ दोनों क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए दोनों सेट क्या होगा, बराबर होगा, नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, आर द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। नीचे कुछ क्वेश्चन दे रहा है वो पेयर में, डेट मीन हमेशा जब भी इक्वल सेट होगा तो दो सेट रहेगा। तो बोल रहा है ये दोनों इक्वल सेट है, यदि है तो उसका रीजन देना। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं सेट ए में दो एलिमेंट है 2 और 3, और बी क्या बोल रहा है, एक सेट है, ठीक है, एक्स सजेस्ट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ इतना, डेट मीन्स इसका हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सॉल्यूशन निकालना होगा। तो निकाल के देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 इक्वल्स टू क्या है 0। इसका हमको क्या करना होगा, फैक्टोराइज करना होगा। तो फैक्टोराइज करते हैं, फैक्टोराइज करने तो सबको आता ही होगा, ठीक है। नहीं आता तो आप लोग हमारा क्लास 9th का पॉलीनोमियल चैप्टर में जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या आता चुके, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए 6 और यहाँ 1, 6 और 1 का एलसीएम क्या होगा 6,
इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 × 3 होगा, डैट मीन्स बीच में क्या होगा, प्लस यहाँ 2 और यहाँ 3, तो एक्स स्क्वायर 2x + 3x + 6 = क्या होगा, 0। हालांकि हम लोग करते क्या है, जनरली सबसे पहला कंसेप्ट ये होता है, ठीक है, हम लोग ये बड़ा आपको समझा ही देते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट ये होता है कि जो भी फैक्टराइजेशन करना हो उसे इस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखिए प्लस है, बीच वाले टर्म को ब्रेकेट में लिखिए, यहाँ क्या है x, तो यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ क्या है प्लस, यदि यहाँ प्लस है तो बीच में भी प्लस लिखिए, और 6 = 0। अब देखिए लास्ट में जो कॉन्स्टेंट है और एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशियंट है, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो कॉफिशियंट क्या है 1, इन दोनों का एलसीएम निकाल आता है, और एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, और 6 का एलसीएम हम लोग 2 × 3 बोल सकते हैं। बीच में हमें ऐसा दो नंबर सेलेक्ट करना है जिसको जोड़ने पे क्या आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए, तो देखिए इसका एलसीएम 2 और 3 आ रहा है, और जानते हैं और 2 और 3 को 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ के लिख देते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 3 को x से करेंगे 3x प्लस 6 = 0, इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है x, तो यहाँ बच जाए x और यहाँ 2, इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है 3, तो यहाँ क्या बच जाए x और यहाँ क्या बच जाएगा 2, इक्वल टू क्या होगा 0, तो x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या होगा 0, यहाँ बोल सकते हैं x प्लस 2 भी 0 के इक्वल है और x माइनस 3 भी क्या है 0 के बराबर है, तो सॉरी प्लस, तो x इक्वल क्या होगा -2 और x इक्वल क्या होगा -3। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, यदि बी सेट की बात करें तो बी सेट में क्या आ रहा है -2 और -3 आ रहा है, और सेट ए में देखिए क्या है 2 और 3 है, तो यहाँ +2 और यहाँ -2 है, दोनों सेम एलिमेंट है नहीं है, उसी तरह यहाँ 3 और यहाँ क्या है -3 है, दोनों सेम एलिमेंट है नहीं है, और जब सेम एलिमेंट नहीं हो तो दोनों इक्वल सेट होगा, तो ए नॉट इक्वल टू बी बिकॉज बोथ है, सॉरी बिकॉज सेट ए एंड सेट बी हैव नॉट एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, दोनों में क्या है सेम एलिमेंट नहीं है, इसलिए दोनों क्या होगा इक्वल सेट नहीं होगा। समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में जब तक लिखेंगे नहीं तब तक उसके सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 का दोनों में क्वेश्चन बोल रहा है जिस दोनों को फिर से वही चीज करना है, चेक करना इक्वल सेट है तो क्यों है, ओरिजिन देना है, तो देखिए सेट ए दे रहा है, तो सेट ए देख रहे हैं दोनों रोस्टर फॉर्म में, तो इससे पहले हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे, क्या बोल रहा है एक्स सबजेक्ट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, अब इस वर्ड में देखना है कौन कौन सा लेटर है, तो देखिए वहां क्या है एफ ओ एल, एल के बाद फिर से एल है, याद कीजिए जब लोग सेट का रिप्रेजेंटेशन बताए थे तो उसमें कुछ बातों को बताए थे, सबसे पहला पॉइंट तो वहाँ ये भी था कि जो भी एलिमेंट होता है उसे हम लोग क्या करते हैं कैपिटल अल्फाबेट में नहीं लिखते, लेकिन ये बात बताए थे जब क्वेश्चन मेरा कैपिटल में हो तो कैपिटल में लिखना होगा, ठीक। दूसरी बात ये बताए थे कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है यदि सेम आए तो उसे रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए एल एल रिपीट हो गया तो दोनों की जगह एक ही लिखेंगे, एल के बाद फिर से ओ आ रहा तो ओ हम पहले से लिख चुके हैं, डैट मीन्स रिपीट नहीं करेंगे, उसके बाद क्या बच गया डब्लू, ठीक है। अब देखते हैं बी सेट, तो बी सेट में देखिए क्या बोल रहा है लेटर क्या है वॉल्फ, तो वॉल्फ में कौन कौन सा लेटर है डब्लू है ओ है एल है और क्या है एफ, तो डैट मीन्स देख रहे हैं दोनों में क्या है, अब चेक करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है या नहीं, देखिए एफ इसमें तो एफ इसमें भी, ओ इसमें भी, एल इसमें तो एल इसमें भी, डब्लू इसमें तो डब्लू इसमें, तो देख रहे हैं इस सेट ए में जो जो एलिमेंट है वही एलिमेंट बी में है, और जानते हैं जब ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या होता है सेट ए क्या होता है सेट बी के बराबर होता है, क्यों होगा तो रीजन दे सकते हैं बिकॉज सेट ए एंड सेट बी हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, दोनों के पास क्या एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, और जब सेम एलिमेंट है तो भाई आराम से तुम लोग बोल सकते हैं ये कैसा सेट है मेरा इक्वल सेट है। अब आगे बढ़ते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर, तो आइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो, नीचे कुछ सेट दिया गया है सेलेक्ट इक्वल सेट, इसमें से कौन कौन सा सेट क्या इक्वल है, तो इक्वल सेट चेक करने के लिए हमें क्या करना, तो देखना है वैसा दो सेट जिसमें सेम एलिमेंट हो, ठीक है, तो आइए चेक करते हैं, देखिए इसमें क्या देख रहे हैं 2 4 8 10, तो देखिए ऐसा कोई और सेट है जिसमें 2 4 8 10 है, इसमें नहीं है 2 4 8 10 इसमें नहीं है और इनमें सो है, तो डेट मीन्स इसका कंपेयर किसी से इक्वल नहीं मिला,
अब देखिए क्या है, 1 2 3 4 इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें तो देखिए यहाँ 1 है 2 है 3 है 4 है, तो डायरेक्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि सेट बी जो है क्या है, सेट डी का इक्वल है। क्यों? तो देखिए इसमें 1 तो इसमें 1, इसमें 2 इसमें 2, इसमें 3 तो इसमें 3, इसमें 4 तो इसमें 4, तो पहला सेट एक मुझे मिल गया जो क्या है मेरा 2 सेट इक्वल है। और चेक कीजिए 4 8 12 14 तो ऐसा कोई नहीं है, -1 और +1 तो यहाँ देखिए -1 यहाँ है, यहाँ भी है, +1 यहाँ तो +1 यहाँ, तो एक सेट हमें और मिल गया E=G। इसे हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, डैट मीन्स ऐसा भी लिख सकते हैं H=A, ठीक है। और देखते हैं और कोई है, ये देखिए 0 1 ये 0 8, डैट मीन्स ऐसा और कोई सेट नहीं है जो क्या हो इक्वल सेट होते, इसमें से 2 सेट ऐसा मिला जो मेरा क्या था इक्वल सेट था। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिर अगले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे 1.3 एक्सरसाइज का।